दिवाली का स्वीट रवा बेसन लड्डू, मुंह में पानी लाने वाले लड्डू बने हैं और टेस्ट में भी बहुत ही अच्छे बने हैं। नमस्कार, शाही ट्रीट्स में आपका स्वागत है। और आज हम स्वीट से रिलेटेड एक रेसिपी देखेंगे। दिवाली में जो स्वीट्स बनाए जाते हैं उसमें से आज हम बनाने जा रहे हैं रवा बेसन के लड्डू। दिवाली में या और किसी भी त्यौहार में ये बनाए जाते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक पैन रख दिया और हमने गैस को ऑन कर दिया। गैस को हम मीडियम रख देते हैं और यहाँ पर मैंने 1/3 कप घी लिया हुआ है। प्योर घी, और इसको हम मेल्ट होने देते हैं। घी हमारा मेल्ट हो चुका है और हमने यहाँ पे 1/2 कप रवा लिया है। रवा जो है हम एकदम बारीक वाला यूज़ करेंगे, आप सूजी भी यूज़ कर सकते हो। 1/2 कप मैंने रवा ले लिया और सबसे पहले हम इसको अच्छे से भून लेंगे। इसमें रवा और बेसन के लड्डू हम बनाने जा रहे हैं। 1 कप मैंने बेसन लिया हुआ है। बेसन हमने इसमें अभी नहीं डाला है। सबसे पहले हम जो रवा है, सूजी है, उसको हम पहले भून लेंगे अच्छे से। और अगर हम दोनों साथ में डालते हैं तो बेसन हो जाता है और रवा जो रहता है वो थोड़ा कच्चा रहता है, इसलिए हम इसको पहले रवे को अच्छे से भून लेंगे। हल्का गुलाबी या सुनहरा रंग आने तक हम इसको भून लेंगे। गैस की फ्लेम जो है मैंने मीडियम रखी हुई है और हम इसको थोड़ा सा अभी सीम पे कर देते हैं। 2-3 मिनट मैंने मीडियम पे रखा हुआ था, अभी मैंने सीम पे कर दिया है। देखिए, हल्का गुलाबी रंग इस रवे का आ चुका है। अब हम इसमें हमने जो बेसन लिया हुआ था वो डाल देंगे 1 कप और इसको हम बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको भी अच्छे से भून लेंगे। तीन से चार मिनट हमको रवा भुनने में लग गया था। हल्का गुलाबी रंग इसका आ गया है। रवा और बेसन बहुत अच्छे से भून चुके हैं। हम गैस को बंद कर देते हैं और इस मिश्रण को मैं किसी प्लेट में निकाल लूँगी। इसको हम थोड़ा ठंडा होने देते हैं। हमारा जो मिश्रण है वो बिल्कुल ठंडा हो चुका है। हमने इसको अच्छे से रूम टेम्परेचर पे आने दिया। अब हम इसमें डालते हैं ड्राई फ्रूट्स, कुछ काजू हम इसमें डालेंगे और हम इसमें डालेंगे बादाम। बादाम को भी मैंने कट कर लिया था। और हम इसमें मिक्स कर देंगे इलायची का पाउडर, मिक्स कर लेंगे। और मैंने यहाँ पे 1 कप पाउडर शुगर ली हुई है। आप बूरा भी ले सकते हो, बूरे के भी बहुत अच्छे बनते हैं। ये मैंने पाउडर शुगर लिए, 1 कप मैंने इसमें मिक्स कर दिया है। शक्कर जो है वो आपके स्वादानुसार आप डाल सकते हो, 1 या 1.5 कप हम डाल सकते हैं, बराबरी में भी डाल सकते हैं। मैंने थोड़ा कम डाली, 1 ही कप डाला है। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके हम लड्डू बांध लेंगे। आपको गोल आकार करना हो तो भी आप इस तरह से गोल आकार के लड्डू कर सकते हैं। मेरे यहाँ इस टाइप का आकार बनाते हैं, देखिए इस तरह से। एक्चुअल में महाराष्ट्र में दिवाली के टाइम ये स्वीट्स बनाए जाते हैं और अदर टाइम भी बनाए जाते हैं काफ़ी टाइम। और लेकिन जब सर्व करते हैं तो प्लेट में काफ़ी सारे व्यंजन रहते हैं, दिवाली के स्वीट्स रहते हैं, तो उस टाइम जो रहता है ये लड्डू ऐसे इस तरह से आकार अगर हम देते हैं तो वो प्लेट में मतलब घूमता नहीं है, प्लेट में लुढ़कता नहीं है, तो इसलिए इस टाइप का आकार। देखिए, इसी तरह से मैं बाकी के मिश्रण के सारे लड्डू बना लूँगी। हमारे लड्डू बनके तैयार है। देखिए कितने बढ़िया लड्डू ये हुए हैं, कलर भी बहुत ही खूबसूरत आया है इसका। और हम इसको पिस्ता से सजा देते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो और ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि जो भी अगला वीडियो रहेगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। थैंक यू सो मच।